इस वक्त मैं बार्सले इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल कटनी में हूँ और मेरे साथ हैं इस स्कूल की कक्षा दसवीं के छात्र संतुष्ट मेघानी और स्कूल के प्रिंसिपल श्री अतुल अनुपम अब्राहम और मेरे साथ ही आकाशवाणी जबलपुर के श्री महेंद्र वर्मा। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की नजर से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी समाज के हर वर्ग के प्रति संवेदनशील है। शायद ही समाज का कोई ऐसा वर्ग रहा होगा जिसकी परेशानी उनसे छुपी हो। ऐसा ही एक वर्ग होता है छात्रों का, विद्यार्थियों का। हर परिवार में छात्र होते हैं, विद्यार्थी होते हैं और वे अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। प्रधानमंत्री जी की नजर से परीक्षा के दिनों में होने वाला अवसाद और इन बच्चों का तनाव भी छुपा नहीं रह सका और इसीलिए उन्होंने परीक्षा पर चर्चा नाम से एक कार्यक्रम में कुछ बच्चों से सीधा संवाद किया था। उन्हीं में से एक है बार्सले इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल कटनी के कक्षा दसवीं के छात्र संतुष्ट मेघानी जो मेरे साथ हैं। संतुष्ट नमस्ते। संतुष्ट हमें बताइए, हमें मालूम है कि आपने पिछले वर्ष तालकटोरा स्टेडियम में माननीय प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम हुआ था, उसमें भाग लिया था, तो उसमें आपने कटनी से लेकर तालकटोरा स्टेडियम तक का सफर आपका कैसा था और उसके कितने चरण थे और आपको कैसे उस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला? जी, बहुत ही बढ़िया सफर रहा कटनी से लेकर तालकटोरा स्टेडियम तक का। सबसे पहले हम लोग यहाँ कटनी से भोपाल गए थे, जहाँ से हम लोगों को एस्कॉर्ट टीचर दिल्ली जाना था और फिर उसके बाद वहाँ पर प्रधानमंत्री महोदय से हमारा इंटरेक्शन हुआ था तालकटोरा स्टेडियम में एंड इट वॉज अ वेरी वंडरफुल जर्नी। और हम लोगों को थीम्स दी गई थी और जिसके ऊपर हम लोगों को आर्टिकल्स लिखने थे। एक वेबसाइट mygovernment.in में हम लोगों को वेबसाइट में जाकर आर्टिकल सबमिट करने थे, उसमें मैंने भी आर्टिकल सबमिट किया था एंड उसके कारण ही मेरा सिलेक्शन। तो संतुष्ट, यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में आपके साथ कितने और विद्यार्थी थे जो मध्य प्रदेश के विभिन्न स्कूलों के थे? जी, मुझे मिलाकर टोटल 51 बच्चे थे, 51 स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द स्टेट, जिसमें से 25 बॉयज थे एंड 26 गर्ल्स थे। और पूरे देश से अराउंड मोर देन 2000 स्टूडेंट्स थे। तो संतुष्ट, प्रधानमंत्री जी जब आपके सामने थे तो उन्होंने किन बातों पर जोर दिया और उन बातों का क्या असर आप पर पड़ा? जी, प्रधानमंत्री महोदय का परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम लॉन्च करने का मकसद ही यही है ताकि स्टूडेंट्स का स्ट्रेस कम किया जा सके, जो कि एग्जामिनेशंस के टाइम पे काफ़ी हद तक देखा जा सकता है। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है एग्जामिनेशंस को लेकर। तो प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि हमें कोई भी टास्क कम्प्लीट करने से पहले मन में एक संकल्प ले लेना चाहिए ताकि हम उस टास्क को हमें कैसे भी करके कम्प्लीट करना ही है, चाहे जितने भी हमें आउटसाइड फोर्सेस हों, तो उनसे हमें उनसे बचकर कैसे भी करके सिर्फ फोकस हमारा होना चाहिए और हमें खुद एक संकल्प कर लेना चाहिए दैट वी हैव टू कंप्लीट दिस टास्क। और संतुष्ट, वहाँ पर जो आपके साथी थे देश के विभिन्न भागों की, उन्होंने होने वाले तनाव जो परीक्षा के दिनों में होता है, तो परीक्षा के दिनों में होने वाले तनाव और कई तरह की परेशानियों की बात की होगी, तो ये परेशानियाँ कौन कौन सी थी जिनका सामना आप भी करते हैं? जी, एग्जामिनेशन के टाइम पे कई बार ऐसे क्वेश्चंस हमने देखने में जाते हैं रीड करते वक्त जो हमसे जिनके बारे में हमें कुछ ख्याल नहीं होता है, तो उन क्वेश्चंस को हम उन क्वेश्चंस के बारे में भूलकर बाकी एग्जामिनेशन पर कैसे फोकस करें हम और उस मार्क्स की चिंता ना करते हुए हम बाकी पेपर को कैसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन के टाइम पर हमें देखने मिलती हैं जिनके कारण स्टूडेंट्स को परेशानी होती है। और संतोष, आपको भी परीक्षा से तनाव होता है क्या? जी, मुझे परीक्षा से तनाव नहीं होता है। जैसे इस बार की भी अगर देखे जाए तो परीक्षा पर चर्चा की थीम है कि एग्जाम्स आर लाइक फेस्टिवल्स और हमें उन्हें फेस्टिवल्स की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। तो अगर हम इस टैगलाइन को देखें तो हम एक सीधा कंपेयर कर सकते हैं एग्जामिनेशंस और फेस्टिवल्स को कि कैसे हम फेस्टिवल्स की प्रिपरेशन बहुत पहले से स्टार्ट कर देते हैं एंड देन ओनली वी कैन एन्जॉय दोज फेस्टिवल्स। तो अगर ऐसे ही हम एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन पहले से चालू करेंगे तो हम उन्हें भी एक फेस्टिवल की तरह हम एंजॉय कर रहे हैं। संतोष, यदि मैं थोड़ा विस्तार से पूछूं तो इस साल जो आपका परीक्षा उत्सव आने वाला है, यानी बहुत जल्दी होने वाला है मेरे ख्याल से मार्च के अंतिम दिनों में या अप्रैल में आपकी परीक्षाएं होंगी और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएंगी, तो इस त्यौहार की तैयारी आप कैसे कर रहे हैं? जी, तैयारियां तो पहले से ही चालू हो चुकी थी, पूरे साल ही तैयार प्रिपेयर करना पड़ता है क्योंकि बोर्ड एक
इम्पोर्टेंट क्लास है तो हमें स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करना पड़ता है और अभी रिविजन चल रहे हैं। संतुष्ट, प्रधानमंत्री जी की वो कौन सी बात थी जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया तालकटोरा स्टेडियम में जब भी आपके सामने आपसे बात करते थे? मेरा प्रधानमंत्री जी से एक प्रश्न था कि एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट कैरेक्टरशिप, सबके पास अपनी अलग अलग कैरेक्टरशिप होती है, हर एक पर्सन हर एक स्टूडेंट एक दूसरे से डिफरेंट होता है, तो ये ना सोचकर स्टूडेंट्स अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं एक दूसरे से, अपने ग्रेड्स की बात हो चाहे अपने मार्क्स की बात हो, तो एक दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं। तो प्रधानमंत्री महोदय ने यही कहा कि हमें खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए बल्कि खुद से ही कम्पीट करना चाहिए, तो ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे। और संतुष्ट, आपके साथियों ने भी कई तरह की बातें उठाई होंगी, आपके साथियों द्वारा उठाए गए ये प्रश्न, ये शंकाएं, ये जिज्ञासाएं कौन सी थी जो आपको कभी लगी हो कि अरे ये तो मेरी भी परेशानी है? ऐसी बहुत सारी हमें परेशानियां देखने मिल सकती है जो सारे ही स्टूडेंट्स फेस करते हैं एग्जामिनेशन के, चाहे वो एक्सटर्नल फोर्सेस हों, कि कभी कभी हम पढ़ते वक्त डिस्टर्बेंस होता है और कई बार बहुत सारी एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं जिनके कारण हमें पढ़ने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, तो यही सारे प्रश्न थे लोग। संतोष, आप अपना तनाव जो आपका जो बोलते हैं ना एग्जामिनेशन स्ट्रेस होती है, तनाव होता है परीक्षाओं का, उसे कैसे दूर करते हैं? अपनी हॉबीज को फॉलो करके हैबिट से, कि जब भी आपको कोई स्ट्रेस होता है, जब भी आपको एग्जामिनेशन से स्ट्रेस होता है, तो आप जो आपकी हॉबी है जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप वो चीज़ अगर करते हैं तो आपका मूड रिफ्रेश हो जाता है। और आई विल से दैट पार्टिसिपेशन इज अ मस्ट थिंग, अगर आप चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं, तो एक बहुत ही मस्त चीज़ है जिससे आप अपने माइंड को रिफ्रेश कर सकते हैं, आप लाइफ में बदलाव ला सकते हैं और एग्जामिनेशन के स्ट्रेस को बहुत कम कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इंजॉय कर सकते हैं अपने आप को चेंज करते हुए। संतुष्ट, आपने एक बार प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में भाग लिया है, ठीक है, यदि दूसरी बार आपको उस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिलता है, उनसे सीधे बात करने का मौका मिलता है, तो इस एक वर्ष की अवधि के दौरान वो कौन से प्रश्न आपके मन में तैर रहे हैं जो आप प्रधानमंत्री जी से करना चाहेंगे? अगर इस साल मुझे प्रश्न पूछने का मौका मिलता है तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे ऑनलाइन लर्निंग ने बहुत ही बड़ा टर्न हमारी एजुकेशन में लाया है, तो फ्यूचर इन्फ्लुएंसिंग में ऑनलाइन लर्निंग का क्या रोल होगा, यानी कि फ्यूचर एजुकेशन किस पर बेस्ड होगी, उसमें ऑनलाइन लर्निंग इन्फ्लुएंस करेगी या नहीं करेगी कि हम लोग अपनी बैक नॉर्मल एजुकेशन में वापस आ जाएंगे, किस प्रकार की फ्यूचर एजुकेशन होगी, कैसे एग्जाम्स होंगे हमारे, तो यही मेरा प्रश्न होगा। संतुष्ट, देश के नेता का विश्वास होता है, उनकी आशा होती है कि जो आज का छात्र है उसके कंधों पर कल देश का पूरा भार होगा, या यूं कहिए कि जो आज का छात्र है वो कल के लिए देश का भविष्य होता है, तो प्रधानमंत्री जी की अपेक्षाएं भी देश के युवा वर्ग से हैं, आप सभी से हैं, तो आप बड़ा होकर किस प्रकार से इन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे और देश के निर्माण में किस तरह से अपने आप को लगाना चाहेंगे? जैसे कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई होने वाली है, हमें पता है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम देख सकते हैं कि एंशियंट जो हमारी एजुकेशन है उसको वापस लाया जा रहा है जिससे होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके पूरी कंट्री के स्टूडेंट्स का, तो यानी कि जिस स्टूडेंट्स को जिस भी सेक्टर में इंटरेस्ट है वो उस सेक्टर में जाकर कंट्री को डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर NEP जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाती है तो मैं भी चाहूँगा कि सारे स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही कंट्री को एक बहुत ही ज्यादा योगदान दे सकेंगे इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। संतुष्ट, यदि मैं आपसे अंतिम प्रश्न ये पूछूं कि आप अपने उन साथियों से क्या कहना चाहेंगे जो आगे आने वाले दिनों में परीक्षा का सामना करेंगे, यानी परीक्षा के महोत्सव में शामिल होंगे, क्योंकि आप उनके लिए अनुभवी हैं और आप एक बार प्रधानमंत्री जी के साथ परीक्षा पर चर्चा विषय पर भाग ले चुके हैं? Stay determined, हमेशा अपने अंदर determination रखनी चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, एग्जामिनेशन स्ट्रेस लेने के लिए नहीं होते हैं, एग्जामिनेशन इज अ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रकार से देखा जाए, हमें उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेना चाहिए, एक लोड की तरह नहीं लेना चाहिए, वो कभी भी हमारे लिए लोड नहीं है, इससे हम लोगों को सेल्फ नॉलेज की एस्टिमेशन होती है, तो आई विल से स्टे डिटरमाइंड एंड डू योर एग्जाम्स। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष, और हमारी शुभकामनाएं हैं आप सफल हो, परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों से पास हो, अपना अपने स्कूल का अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें और देश के बहुत अच्छे नागरिक बने। धन्यवाद।